नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। कह लीजिए बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री आखिर ध्यान लगाने के लिए क्यों उन्होंने कन्याकुमारी की तरफ का रुख किया और आखिर वक्त ही ऐसा क्यों था, इसी वक्त क्यों, और इसी बात को लेकर विपक्ष परेशान सा दिख रहा है। विपक्ष की तरफ से कई सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि पक्ष की सुने और विपक्ष की ना सुनी जाए, विपक्ष की भी पूरी सुनी जाएगी। विपक्ष ने जो कहा, जो दलीलें दी, और विपक्ष का जो कहना है, बहस उसी बात पर है कि आखिर प्रधानमंत्री के ध्यान से विपक्ष परेशान क्यों है। आज की डिबेट हम शुरू करते हैं। कुंतल कृष्णा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता LJPR से, अजय यादव प्रवक्ता RJD से, और राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से। लेकिन यह तस्वीर जरा देखिए, प्रधानमंत्री ध्यान में जाने से पहले पूजा अर्चना में लगे थे, पुरोहितों के बीच पूरे मंत्रोच्चारण के साथ आराधना उन्होंने की, पूजा किया। और एक प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें खासकर व्यक्तिगत तौर पे, तो प्रधानमंत्री आज कोई एक नई ध्यान साधना में नहीं जा रहे, बल्कि इससे पहले भी अगर 2014 की बात करें, 15 की बात करें, 19 की बात करें, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई ऐसी बातें, कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री ध्यान साधना में रहते आए हैं और मेडिटेशन करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास में हो या फिर अपने तरीके से वो जब भी चाहें वो ध्यान साधना कर सकते हैं। तो सीधे हम अब रुख करते हैं बहस का, और कुंतल कृष्ण प्रवक्ता बीजेपी से हैं। सबसे पहले आपसे कुंतल कृष्णा जी, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं दाएं और बाएं दोनों कानों में, ब्रह्मांड हिलाकर रख दिया गया है, कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। जो सवाल विपक्ष का है उसका जवाब देना बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ध्यान करें, क्या सिर्फ यही सवाल है, इसी पर आपत्ति है, या फिर उनको उनकी ध्यान साधना को प्रचारित प्रसारित या फिर मीडिया अगर वहां पहुंचता है, उन तस्वीरों को दिखाता है, इससे ही परेशानी है? आप तक कौन कौन सी बातें पहुंच रही हैं विवेक जी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि भारत का विपक्ष किस ओर जा रहा है। अभी मैंने सुना कांग्रेस इस बात पे ऑब्जेक्शन उठा रही है कि किसी भी व्यक्ति का ध्यान करना, मौन साधना करना, वो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। भाई प्रधानमंत्री एक व्यक्ति हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि साहब एक वक्त है, उस वक्त के बाद मैं अपने राजधर्म से मुक्त हूं, मैं अपने आप में साधना करना चाहता हूं, मौन व्रत करना चाहता हूं, 24 घंटे साधना में बैठना चाहता हूं। यह निर्णय उनका अपना है। यह किस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है? और अगर प्रधानमंत्री जीवन की और सामाजिक पैराफेर्नेलिया में उस स्तर तक पहुंच गए हैं कि उनकी हर चीज पब्लिक को इन्फ्लुएंस करती है, तो यह तो उनका क्रेडिट है। प्रधानमंत्री जी मौन साधना में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, उसके बाद भी आप ये सवाल उठा रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। इससे एक बात साफ हो गई है विवेक जी, राजनीति में इशारे भी बहुत कुछ कर जाते हैं। विपक्ष को पता चल चुका है कि 4 जून को उनका बोरिया बिस्तरा बंधने वाला है, 4 जून को बुरी तरीके से राजनीतिक रूप से वो हारने वाले हैं, इसीलिए अभी से ही वो इस तरह की बातें, इस तरह के बहाने कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी तो समझ से परा है। एक रिएक्शन ले लेते हैं ताकि जो लास्ट में समय नहीं बचता तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़ते हैं उन्हें मात्र एक मिनट का समय मिल पाता है। राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से, हम रिएक्शन के तौर पर 30-40 सेकंड का रिएक्शन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। राजेश राठौर, क्या कुंतल कृष्ण समझ पा रहे हैं उस आपत्ति को जो आप लोग दर्ज करा रहे हैं, या फिर समझाने के लिए कुछ और कहना होगा? समय की कमी आपने पहले बता दी है, मैं भी कोशिश करता हूँ संक्षिप्त में अपनी बात को रखूँ। प्रधानमंत्री अंतर ध्यान में है, और हमारे साथी अभी बताए हैं कि राजधर्म से मुक्त होकर कोई अंतर ध्यान करता है तो क्या दिक्कत है? पहले आपत्ति कि राजा कभी राजधर्म से मुक्त हो ही नहीं सकता, अगर मुक्त हो गया तो राजा नहीं है। पहला ध्यान नहीं हो रहा है वो, अभी अभी हो रहा है, रोकने के लिए अलग से समय दे देंगे। कुंतल भाई आप नोट करके रखिए, हम 40 सेकंड तक अभी तक ध्यान नहीं हो रहा है, 40 सेकंड तक नहीं रोकेंगे, राजेश राठौर को नहीं रोकेंगे। हाँ राजेश राठौर, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ध्यान में जा रहे हैं, लोग अभी उनके प्रत्याशी और बड़े प्रवक्ता संबित पात्रा जी कहे हैं,
कि भगवान जगन्नाथ उनके पुजारी हैं, उनके भक्त हैं, उनको अंतर ध्यान करना पड़ता है। जो भगवान प्रभु राम को लाए उनको अंतर ध्यान करना पड़ता है। सवाल इसका है कि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के अंतिम चरण में यह मान लिया पूरी तरह कि वो चुनाव हार चुके हैं, इसीलिए 2004 को जो 2024 है 4 तारीख को अंतर ध्यान होने वाले हैं, तो आदत पहले ही से डाल रखते हैं। देश का जो प्रधानमंत्री मौन हो जाए वो काम क्या कर सकता है भाई? इतना भारत भारत देश है, 6 महीना से चुनाव प्रचार कर रहा है, मौन हो जाइएगा? इसका मतलब आपने चुप्पी साध ली है, हार मान ली है। 4 से पहले ही, कल अंतिम चरण के चुनाव से 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही आपने हार मान ली है, ये मैं पूरी तरह मान रहा हूँ। इसीलिए जाने वाले प्रधानमंत्री पे अब मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री भैंस पे, मंगलसूत्र पे, गाय पे, गोबर पे, पाकिस्तान पे, जंगल राज पे वोट मांग रहा हो, उस प्रधानमंत्री को हमें कुछ नहीं कहना है। जो प्रधानमंत्री ठीक है, प्रोफेसर विनीत सिंह के पास आते हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता LJPR से, इनको भी 40 सेकंड ही देंगे, बीच में बिल्कुल मत इंटरप्ट कीजिएगा। प्रोफेसर विनीत सिंह, क्या यहाँ समझने वाला एंगल फिर छूट गया? क्या प्रसारण को लेकर कोई बात थी या फिर ध्यान साधना पर ही अटैक है? विवेक भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार। पहले तो अंतर्धान नहीं होता है, अंतर्धान का मतलब होता है गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना, तो पहले शब्द को सुधार लिया जाए। दूसरा, ये कहा गया कि राजतंत्र नहीं है देश में, लोकतंत्र में जनता चुनाव करती है अपने नेता को। भाई राहुल गांधी की तरह अपने आप को राजा तो मोदी जी समझते नहीं है। जब 4 तारीख को जब निर्णय आएगा तब मालूम चलेगा कि मोदी जी फिर से बन गए हैं। स्वाभाविक है, पहले क्या होता है विवेक भाई कि मोदी जी के जुबान से परेशानी है, अब ध्यान से परेशानी है। कुछ भी करें इनको दिक्कत होता है। क्या आपके अनुसार हम लोग काम करेंगे? 4 जून को प्रचंड बहुमत के साथ 400 सीट पार हो रहा है, और ध्यान रखिएगा मोदी जी अपने हिंदू संस्कार का, देश के संस्कार का परिचय दे रहे हैं। राहुल गांधी की तरह बैंकॉक और सिंगापुर नहीं जाते हैं, और खास करके एक आध्यात्मिक ऊर्जा लेने जा रहे हैं, और अपने जितने भी कार्य किए गए हैं अपने सर्वोच्च जो शक्ति है उसको समर्पित करने जा रहे हैं। और यही चीज बताता है कि आने वाले समय में हम और एनर्जी चाहते हैं, ताकि हम और नए नए काम कर सके, नए भावों के साथ कर सके और नए क्रिएटिव आइडिया के साथ कर सके। ठीक है, जो यादव प्रवक्ता RJD। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं एक अंधभक्त की भाषण सुन रही थी, अब मैं बताती हूँ कि असलियत क्या है। उनको आभास हो गया है कि वो हार रहे हैं, प्रायश्चित करने के लिए वो फिर जाकर के बैठ गए हैं। उन्हें तकलीफ हो रही होगी, हो सकता है या नहीं भी हो रही होगी, युवाओं के साथ मजाक किए, महिलाओं के प्रति तरह तरह की दर्दनाक घटनाएं हुई और वो मौन साथ लिए। इन्फ्लेशन बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, इतने दिनों में सिलेंडर का कीमत आसमान छू रहा है, तो उनको तो आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि आखिर 10 साल वो किए क्यों। क्या आभास हो गया है उन्हें? एक अंतिम मौका एक मिला है। बनारस को में भी हमको लगता है कि अभी 7वें चरण में ही चुनाव है, जहाँ से वो कैंडिडेट खड़े हुए, उन्हें लग रहा होगा कि हिंदू के वोट्स इसी बहाने पोलराइज हो जाए कि वो मेडिटेशन में चले गए। अब आध्यात्मिक आदमी तो रहे नहीं, पता नहीं कौन आध्यात्मिक ऊर्जा उनमें आएगी। 4थी तक पढ़े आदमी को कोई डॉक्टरेट की नॉलेज तो रहती नहीं है कि कोई आध्यात्मिक ऊर्जा आएगी, ये तो मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन ठीक है, वो अपना हिंदू वोट्स को चाह रहे हैं कि अंतिम में कोशिश है कि कुछ वो पोलराइज कर ले, बस और कुछ नहीं। और वो जान गए हैं कि 4 तारीख को उनका क्या होने वाला है। ठीक है, कुंतल कृष्णा कुछ कहना चाह रहे थे, हम आ रहे हैं। चलिए अब डिबेट पर आते हैं बढ़िया तरीके से, ये रिएक्शन जानना जरूरी था। हाँ कुंतल भाई। विवेक जी, अब तो इन लोगों में आपस में इतना अंतर विरोध हो गया है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसका जवाब दूं और किस बात पे मैं अपनी टिप्पणी करूं। भाई कांग्रेस के बड़े नेता हैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के सामने कहा कि कांग्रेस को आपत्ति है कि प्रधानमंत्री जी की मौन साधना आचार संहिता का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन है। अभी कांग्रेस के बाकी साथी कह रहे हैं कि साहब वो आत्मचिंतन करने जा, भाई अगर आत्मचिंतन करने जा रहे हैं तो ये क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है? इस देश के सबसे चर्चित व्यक्ति, दुनिया के सबसे चर्चित व्यक्तियों में से एक, अगर मौन साधना करने जा रहे हैं तो भी आपको परेशानी है,
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तब होता है जब आप किसी भी तरीके से वोट मांगते हैं या चुनाव को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रधानमंत्री महोदय विवेकानंद रॉक पे चुपचाप मौन साधना करने जा रहे हैं। अब किस जगह पे विपक्ष लेके जाना चाहता है, क्योंकि विपक्ष की भी जानना चाह रहा है, अभी से भी जानना चाह रहा आपसे, इसका प्रसारण भी होगा क्या कुछ कैमरामैन, क्योंकि बराबर इनके जुबान से निकलता प्रधानमंत्री जहां जाते हैं कैमरा लेकर जाते हैं, तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होना है? नहीं, मैं बात जब सुन रहा था उसी वक्त मुझे एक पुराना शेर याद आ गया, इनकी निगाहों में क्या है कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होती। साहब तुष्टिकरण की बात आप कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देते हैं कि मुसलमानों को अलग से हम आरक्षण दे देते हैं, क्या 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 एक बात बताएं, और अब ये तुष्टिकरण बात कर रहे हैं भाजपा। अरे भाई भाई देखिए विवेक जी राठौर जो इस तरह की बात ना किया करें, मैं शांति से सुन रहा था ना, शांति किसी भी व्यक्ति का मौन साधना में जाना क्या किसी का तुष्टिकरण है? एक मिनट रुकिएगा जरा, राजेश राठौर मौन साधना से कोई दिक्कत है क्या? साधना करें राजेश राठौर, कांग्रेस को दिक्कत है क्या मौन साधना से? ईश्वर करे कि प्रधानमंत्री सही में आत्मचिंतन करे, ईश्वर करे कि वो आत्म ध्यान करे, ईश्वर करे कि वो ध्यान करे, लेकिन ध्यान कहाँ करता, राजनीतिक ध्यान करते हूँ। अगर राजनीतिक ध्यान नहीं होता तो कोई भी ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी चारों ओर कैमरा नहीं लगाता है, कैमरा लगाता है तो अपने समर्थकों और पंडितों पर लगाता। एक मोदी का चेहरा बड़ा, भगवान का चेहरा छोटा, कैसा ध्यान है? ये ध्यान दे, कोई भी ध्यान करने वाला व्यक्ति आप बता दीजिए विवेक जी। कुंतल कृष्णा कुछ कहना चाहते हैं, रहिए स्क्रीन पे क्या? अच्छा विवेक जी जवाब दीजिए, कांग्रेस विवेक जी, कांग्रेस ये बताए कि उन्हें आचार्य, पहले आप बताइए उसके बाद कांग्रेस बताइए। विपक्ष परेशान है क्यों परेशान है, यही तो जानने के लिए आए। कुंतल कृष्णा आप बताइए कि विपक्ष अगर परेशान है उन सवालों को लेकर तो उसका जवाब क्या है? देश के प्रधानमंत्री काम छोड़ के मौन धारण कर रहे हैं विवेक जी, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री मौन धारण कर रहे हैं, नौजवानों आज शाम से चुनाव प्रचार बंद है, राजेश राठौर एक मिनट, आज शाम से चुनाव प्रचार बंद है, कांग्रेस की इन्हीं छोटी सोच के कारण और इस तरह की अपरिपक्वता के कारण देश ने उन्हें नकार दिया है। प्रोफेसर विनीत के पास इसका जवाब मिले, जरा विनीत जी के पास आइए, प्रोफेसर विनीत से एक मिनट रुकिए, प्रोफेसर विनीत से एक मिनट रुकिए। अभी देखिए आपके इर्द और गिर्द दोनों तरफ ही बैठे हुए हैं राजेश राठौर के दाएं और बाएं, हमें जरा प्रोफेसर विनीत सिंह एकदम क्लियर कीजिए, जो ये कहना चाह रहे हैं, जो सवाल आज भी उठेगा, ये सवाल कल भी उठाया जाएगा, तो सवाल का क्या जवाब है जरा ये बताइए। साधना पर नहीं, ममता बनर्जी को आपने सुना, अगर प्रसारण हुआ तो फिर शिकायत कर दूंगी। आप देखिए जितने बयान हम नीचे चला रहे हैं कि फिर साधना कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रचार प्रसार मत कीजिएगा। तो अभी से, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, प्रोफेसर विनीत सिंह अभी कुछ ध्यान की तस्वीरें आई नहीं है, लेकिन आवाज उठ रही है। हाँ प्रोफेसर विनीत सिंह, विवेक भाई आज के सोशल मीडिया के युग में क्या हमें प्रसारण करने की जरूरत है क्या? मोदी जी या कोई भी व्यक्ति कुछ भी बढ़िया काम करे तो तुरंत वायरल हो जाता है, तो पहले प्रसारण के पीछे छुपिए मत। मैं आपको सुनिए, पहले बोले दीजिए। मैं दो लाइनों में अपनी बात कहूंगा और मैं थोड़ा सा इनके जख्मों पे और नमक, सर मेरा बोलने दीजिए ना, इनके जख्मों पे थोड़ा सा मैं और नमक लगा दूं। ये मालूम है इनको चिंता क्यों हो रही है कि मोदी जी क्यों आत्मचिंतन करने गए हैं? क्योंकि इनको डर लग रहा है कहीं आत्मचिंतन से कुछ और लोगों का नाम ना निकल जाए जो कि अराजकता में डूबे हुए, स्कैम्स में डूबे हुए हैं। पहली बात, अच्छी बात बोले हैं। दूसरी बात, आत्मचिंतन से दूसरी बात, जब बात निकली है सुनिए ना सर, मुजरा का पहले अर्थ समझिए, मुजरा का अर्थ होता है विवेक जी क्या? अरे रुके, हम इस कट में रुके, जवाब दे दीजिए, प्रधानमंत्री बोले, हम थोड़ी बोले हैं, प्रधानमंत्री मुजरा की बात कौन करता है जिसको प्रोफेसर विनय सिंह रुके, इनको मुजरा का अर्थ पहले नहीं मालूम है। मुजरा एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है अभिवादन करना।
तो आप जहां बार बार जाके एक विशेष समुदाय के लिए हर जगह नतमस्तक हो जाते हैं उसी को उर्दू में मुजरा कह दिया गया। अब जो दो लाइन सुनिए, अब दो लाइन सुनिए, जब बात निकली है अध्यात्म का और आध्यात्मिक ऊर्जा का, तो सर मैं दो लाइनें कहूंगा जो कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लंका कांड के बाद हनुमान जी लौटे और ध्यान में बैठे हुए थे तो रामचंद्र जी ने पूछा कि हनुमान जी क्या कर रहे हैं आप, तो हनुमान जी ने कहा कि नाम पहारो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। कहने का मतलब है कि अगर आपके घर में, आपके प्रदेश में, आपके देश में बाहर की शक्तियों का आक्रमण होने वाला है, असुरी शक्तियों का आक्रमण होने वाला है और आपको अपने देश को, प्रदेश को बचाना है, तो ध्यान में जाइए ताकि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा मिले और ऐसी ताकत से लड़ने के लिए आपको क्षमता मिले। हाँ अजय यादव, मैंने मान लिया प्रधानमंत्री कमजोर है, बाहरी आक्रमण के लिए उनको भगवान के पास जाना पड़ेगा, भारत को आध्यात्मिक चिंतन आज के समय में सभी लोग करते हैं, अरे छुप छुपा के सब लोग तो मेडिटेशन कर ही रहे हैं। हाँ ये अध्यात्म यही इनको करना था तो 5 साल पहले जब ये प्रधानमंत्री जी की शपथ लिए उस समय करते और तब काम करते। जब इसका इनका काम खत्म हो गया, अब चुनाव होने वाले हैं, तो इस समय इनको ये सब ध्यान करने की जरूरत पड़ी है। ये तो जब जीत के शपथ लेते उस समय करते, उस दिशा में देश को लेकर के जाते तो हम लोग इस बात को समझते, लेकिन वो ऐसा कुछ किए नहीं। अभी भी वो जो कर रहे हैं, अगर टीवी पे इसकी चर्चा हो रही है मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा है, प्रचार हो जा रहा है इसे, और इस समय में ये साइलेंस पीरियड होता है, इसका उल्लंघन तो हो ही जा रहा है। अपने मकसद में तो वो कोशिश में लगे हैं, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, मार्केटिंग जो हमें लगता है कि विपक्ष को डिसाइड करने की जरूरत है, अभी भी वही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक हो जाए, एक मत हो जाए कि प्रधानमंत्री के ध्यान से आपत्ति है, उसके प्रसारण से आपत्ति है, जो चीजें अभी दिख नहीं रही है उस पर आपत्ति है, दिखेंगी तो आपत्ति होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खत्म करते हैं, खबरें लगातार जारी है।